हाँ जी भाई जी, ये छोटी सी वीडियो है और बहुत छोटी रहने वाली है। एक्चुअली मैं बस इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कबूतर का दाना हमें धो के क्यों डालना चाहिए। ये इतने फ्रॉड हो चुके हैं ये दाना दूना बेचने वाले। कल मैं यहीं पे गोदाम में से, सिरसपुर में गोदाम है, वहाँ से एक राशन की दुकान पर से सामान लाया हूँ और उस बंदे को स्पेशली बोला भाई दाने के पैसे ज़्यादा ले लियो लेकिन चीज़ अच्छी दियो। फिर भी घटियापन इन लोगों का आप ये देख लो, ये काली सरसों है और ये देखो पानी ऐसे काला हो रहा है जैसे, ये देखो काली सरसों थी ये, और इतने आज के लिए खाने के अंदर ये एडल्ट्रेशन चल रही है। मतलब क्या तो जानवरों के लिए खाना बनाने में डर लगने लग गया, अपने तो खाने की बात छोड़ दो। काले सरसों में ये काला रंग देखो आप, कैसे इस बंदे ने घटियापन कर रखा है। मतलब इससे कोई अगर ये पूछे कि क्या तू ये दाना, या दाना कह रहा हूँ, ये जो भी अनाज है ये अपने बच्चों को खिला पाएगा, दो मिनट में हवा निकल जाएगी इनकी घटिया लोगों की। और अभी देखना ये देखो ये काली सरसों है, अब ये मैं कबूतरों के लिए दाना धो रहा हूँ, पहले तो सर्दी में इतनी मेहनत करके, और ये देखो काला रंग देखो जरा, ऐसे लग रहा है जैसे होली का रंग हो। अब बताओ क्या तो आप खिलाओगे अपने जानवरों को और क्या बचाओगे। अब ये मैंने देख लिया दाना धोते समय, तो कम से कम अब मैं दाने को इतना धो लूँगा ढंग से कम इसका रंग निकल जाए। नहीं तो अगर ये ऐसे ही कबूतरों को चली जाती तो ये सारा केमिकल, अब ये भी नहीं पता सालों ने किस घटिया आदमियों ने, गालियाँ ही निकल रही है इनके लिए तो मुंह से, इन घटिया आदमियों ने किस कलर से इनको काला कर रखा है ये भी मेरे को नहीं पता कि क्या कौन सी इन्होंने जहरीली डाई इसके अंदर डाल रखी होगी। अगर ये दो तीन बारी में साफ हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये सारी सरसों फेंकनी पड़ेगी। तो भाई प्लीज़ दाना धो के ही दिया करें, ये देख लो दाना ना धोने का मतलब, अगर ना धोता तो कबूतरों के अंदर जहर जा सकता था। तो ठीक है भाई, यही थी एक छोटी सी वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद।